नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, एक वैकेंसी अभी चल रही है जिसका लास्ट डेट आने वाला है, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आईटीआई कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, अभी चल रही है, तो आपको जल्द से जल्द इसमें आवेदन करना होगा। आईटीआई कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी ओपन हुई है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ जानकारी मिलती है इस वीडियो से, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आपको चलते हैं। ये वैकेंसी जो चल रही है दोस्तों, ये इंदिरा गांधी परमाणु रिसर्च सेंटर में वैकेंसी ओपन हुई थी जो अभी चल रही है। इसकी ओपनिंग डेट है दोस्तों 18 मई 2018 से ये ऑनलाइन अप्लीकेशन फिलअप किए जा रहे हैं और लास्ट डेट है इसकी 17 जून 2018। तो आपको लेट नहीं करना है, जल्द से जल्द आवेदन करना है। चलिए आपको चलते हैं आईटीआई कैंडिडेट के लिए कुछ जानकारी दे देते हैं। जो वैकेंसी ओपन हुई है, ड्राफ्टमैन, मैसन, प्लम्बर, कारपेंटर, सर्वेयर, बॉयलर अटेंडेंट के लिए, या ग्रुप सी की जो पोस्ट है टेक्नीसियंस की ओपन हुई है। इसमें आपको फिलअप करने के लिए मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए हाई स्कूल में, साइंस में और मैथ में, और आपका जो आईटीआई का कोर्स है वो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, प्लस आपको 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट ऑपरेटर जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए आवेदन है, उसमें आपको प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिकल मशीन, टूल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, ड्राफ्टमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये जो कैटेगरी सेकंड 01 से लेकर कैटेगरी सेकंड 10 नंबर तक जो पोस्ट हैं, इनके लिए आवेदन जो है वो मिनिमम 60% मार्क चाहिए आपके हाई स्कूल में, साइंस में और मैथ में, 1 साल से कम का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए जो ड्यूरेशन है आईटीआई का। उसके बाद आपको अगर आप इंटरमीडिएट से अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आपको इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं कैटेगरी सेकंड 02 नंबर पोस्ट से 10 नंबर पोस्ट तक, आपको हाई स्कूल में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए गणित और विज्ञान में, और इंटरमीडिएट में फिलअप करते हैं तो आपको 60% मार्क होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, आईटीआई का सर्टिफिकेट जो भी है आपका, टाइम ड्यूरेशन जो कोर्स है वो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए इन सभी ट्रेडों में। उसके बाद आपको हाई स्कूल में मिनिमम 60% मार्क होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, फिटर की 20 है, इलेक्ट्रीशियन की 16 है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक 5 है, बिल्डर की जो है वो 4 है, उसके बाद आप मशीनिस्ट की 2 है, रेफ्रिजरेंट एसी की 1 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 5 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 14 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको कलपक्का में 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग पीरियड में जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको वो 10,500 मिलेगा पहले साल, और दूसरे साल मिलेगा 12,500, और बुक अलाउंस भी आपको 3,000 का मिलेगा। उसके बाद चलते हैं, आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी 30% की, और इन प्लांट में जो ट्रेनिंग होगी वो 40% की होगी। फाइनल ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू वो 30% का होगा। टोटल 100% आपकी ट्रेनिंग हो गई, 3 मेथड का आपका ट्रेनिंग होगा। 50% मार्क्स आपको ट्रेनिंग में लाना ही होगा, उसके बाद ही आप सिलेक्ट होंगे, ट्रेनिंग अच्छे से पास करेंगे। कैटेगरी सेकंड के लिए टेक्नीशियन सी, दोज हु स्कोर 90% एंड अबव द फाइनल असेसमेंट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड, फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 90% और उससे ज़्यादा का आपका ट्रेनिंग में आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपके द्वारा एक बॉन्ड पे सिग्नेचर करवाया जाएगा। मिनिमम 3 साल आपको सर्विस देनी है इंदिरा गांधी परमाणु रिसर्च सेंटर में आपको, तभी आप उसको छोड़ सकते हैं 3 साल के बाद ही, नहीं तो अन्यथा आपको जुर्माना दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका जो पे होगा वो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, टेक्नीशियन सी के लिए 25,500 यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम है एज इन्होंने जो रखा है, मैक्सिमम मिनिमम एज तो 18 साल होता है, मैक्सिमम एज आपका जो इन्होंने दे रखा है टेक्नीशियन सी के लिए 27 साल दे रखा है, और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी वन और कैटेगरी सेकंड के लिए, कैटेगरी वन के लिए 24 साल और कैटेगरी सेकंड के लिए 22 साल का दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, इसमें जो भी एज का प्रावधान है, जो भी कैंडिडेट को SC ST OBC हैं, जो भी इनको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण दिया जाएगा एज में, जैसा कि आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा आप। जो एग्जामिनेशन का मेथड है वो इंग्लिश मेथड है, आपका जो मीडियम रहेगा एग्जामिनेशन का इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा आपका,
आपका जो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी है इन्होंने, वो 100 रुपीज़ रखी है टेक्नीसियन सी के लिए। उसके बाद आपको दिखा देते हैं जो सेलेक्शन मेथड है, जो भी आपका एग्जामिनेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो आपको हम दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3 स्टेज में आपका पेपर होगा टेक्नीसियन सी के लिए। पहला होगा प्रीमियरली टेस्ट, दूसरा एडवांस टेस्ट और तीसरा स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें आपको पहले जो प्री टेस्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 साइंस के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस कराएंगे। पर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपसे 1 नंबर काट लिए जाएंगे, माइनस मार्किंग का प्रावधान है। पहले स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जनरल के लिए 40% मार्क लाने होंगे और SC OBC PWD के लिए 30% मार्क लाएंगे, तभी आप स्टेज सेकेंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद जब आप एडवांस टेस्ट में जाते हैं तो उसमें आपका जो टेस्ट होगा वो आपके ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी ट्रेड्स रहेंगे आप। मल्टीपल चॉइस 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको, पर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपसे 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। और 2 घंटे की टाइम होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का समय रहेगा आपका। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करने के लिए, थर्ड में जाने के लिए जनरल के लिए मिनिमम 30% लाना होगा, SC OBC PWD के लिए मिनिमम 20% लाना होगा, तभी आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ए मेरिट लिस्ट आप कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन इन सेकेंड स्टेज ओनली। केवल आपका जो स्टेज सेकेंड है उसी पेपर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आप ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा तीसरा जो होगा, देख सकते हैं आप। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट वुड बी डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर सेकेंड टू बट सेल नॉट एक्सीडेड 4 से 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच ट्रेड। यानी कि 4 से 5 कैंडिडेट एक पोस्ट से ज़्यादा नहीं होंगे, एक पोस्ट के लिए 4 से 5 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे टेस्ट टेस्ट के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये स्टेज 3 का जो स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपको आपके ईमेल आईडी पे कॉल लेटर के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। जो ट्रेस्ट टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई कर सकते हैं आप उसमें, उसमें कोई नंबर का प्रावधान नहीं रहेगा, केवल क्वालिफाइंग रहेगा। जो भी मेरिट बनेगा वो सेकेंड स्टेज के एग्जाम पे बेस के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पे कुछ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके आरक्षण से संबंधित ये सारी इंस्ट्रक्शन है, जो भी SC ST या PWD कैंडिडेट हैं, जो भी उनको आरक्षण मिलता होगा वो इन्होंने दे रखा है। इसमें आपको मैं PDF का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आप। एग्जामिनेशन सेंटर 4 शहरों में इन्होंने कंडक्ट कर रखा है, चेन्नई, कोयम्बटूर और कांचीपुरम और मदुरई। जो भी आपको चूज़ करना होगा 4 सिटी से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई, आप www.igcar.gov.in पे जाकर आप यहां से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट 17 जून 2018 है, शाम 5 बजे के पहले आपको आवेदन कर देना है, तो आप जल्द से जल्द आवेदन करिए। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ये वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चालू रखना है आपको, उसी पे आपको मैसेज के द्वारा सूचना दिया जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा आपका, इसमें सारे आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल आपके ले जाने पड़ेंगे और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड आपको इसमें दे रखा है। डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भर रखा है उसका प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल और जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपका, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करके 1 सेट आपको ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, और तभी आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, अगर मैच नहीं होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द इस पोस्ट के लिए आवेदन करें। ITI कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा इंदिरा गांधी परमाणु रिसर्च सेंटर में कल्पक्कम के लिए, जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो 17 जून इसकी लास्ट डेट है और 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, आप इसको पे करिए और ITI कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन करिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा,
तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।